हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों बात करेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा, कौन से स्टॉक्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। कहीं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिलते हैं। अगर हमारे भी लिंक से आप किसी भी ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन करवाओगे, कई सारे हम वेबिनार्स और लर्निंग के सेशंस वगैरह लगवाते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अभी अगर हम बात करें बाजार के बारे में, आज का डे भी होप आपका बहुत सुंदर और बहुत शानदार रहा था। लाइव में अगर आप आते हो तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज एक प्रीमियम हमने जीरो हीरो में सिलेक्ट किया था, वो प्रीमियम कौन सा था, इससे आपका टेस्ट होगा और आपको पता लगेगा आप लाइव पूरा एंड तक देखते हो या नहीं। और हाँ, वो प्रीमियम कौन सा था एंड वो कितने से कितने पे गया वो भी लिखना। अभी कल हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो आपको एक साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा। मार्केट खुला कहाँ पे है, गैप डाउन। यहाँ पे मैं एक बार लगा लेता हूँ पेंसिल। एग्जैक्टली ये आज 3 तारीख है और ये 3 तारीख का कैंडल है। यस, ये 3 तारीख का कैंडल है। यहाँ पे गैप डाउन मार्केट खुला, हमने क्या डिस्कस किया था, ये एक रेंज में चला जाएगा जब तक कि ये स्विंग का ब्रेकडाउन नहीं करता है। ऊपर गया था मार्केट, यहाँ पे टाइम स्पेंड करवाया, प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बनाया। बॉक्स पैटर्न हमारा फेवरेट पैटर्न माना जाता है। यहाँ पे कहीं 12:30-1 बजे के आसपास मार्केट ने ब्रेकडाउन किया बड़े प्यारे तरीके से। अगर आपने यहाँ पे पुट साइड में एंट्री लिया तो आपका शानदार प्रॉफिट। और थोड़ा सा आगे चलते हैं नीचे की तरफ, वो पुट साइड पे जब आपने एंट्री लिया बॉक्स पैटर्न पे, इसको रिमूव करता हूं मैं, ये बॉक्स पैटर्न हमारा था पीछे से, ये इस बॉक्स पैटर्न पे अगर आपने एंट्री किया यहां तक शानदार प्रॉफिट राइड गया, क्योंकि एक बार भी इसने अपने लास्ट स्विंग को नहीं काटा है। उसके बाद यहां पे अगर हम देखेंगे टाइम स्पेंड करने के बाद एक लास्ट टाइम पे ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाया है। निफ्टी ने बहुत अच्छा किया है, निफ्टी में आज हमने 0-0 भी किया था और क्या प्रीमियम था क्या आज था वो कमेंट करके आप बताने वाले हो। तो कल का क्या सिनेरियो रहेगा निफ्टी भी आपको एक बार दिखा दूंगा मैं, एक बार निफ्टी भी अपन देख लेते हैं कि निफ्टी ने भी कैसा किया। निफ्टी में भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, यहाँ पे लगातार बहुत अच्छे तरीके से गिराज मैंने लाइव में बोला भी था, आपको याद है कि अगर ये कंसोलिडेशन टूटा ना, यही कंसोलिडेशन यही लेवल मैंने लगाया हुआ था, इवन डे लो भी नहीं लगाया था मैंने। आप लाइव प्ले करके देखना 9 बजे का, हैरान हो जाओगे कि डे लो भी मैंने नहीं लगाया था, मैंने यही लेवल मार्क किया था। एग्जैक्टली मार्केट इस लेवल के आसपास आया इस तरीके से। यहाँ पे जब ये ब्रेक किया ना, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, सीधा रेड। तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, स्लो एंड स्टेडी नीचे की तरफ आया, एक रेंज बना के ऊपर की तरफ उड़ गया है, यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। तो कल का क्या सिनेरियो रह सकता है, अपन 15 मिनट का टाइम लगाएंगे, एक बार टाइम फ्रेम 15 मिनट का। अब क्या हो रहा है, क्या देखने को मिल रहा है हमें, ऊपर की तरफ से एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल गया है। प्राइस एक्शन बिल्कुल अच्छा है यहाँ पे, देखिए ऊपर की तरफ गया, मार्केट नीचे की तरफ प्लान कर रहा है और नीचे की तरफ आ चुका है। यहाँ पे ट्राई किया है थोड़ा सा पुल बैक लेने की, लेकिन होल्ड करके गिर गया है। अगेन आज ट्राई किया है, देखते हैं कल कहाँ खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है और होल्ड करके फिर से सेम सिनेरियो बना रहा है या नहीं। बट एक चीज़ है, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रेच बहुत हो गया है, यानी कि हमारा सिनेरियो कल एकदम सिंपल है। मार्केट चाहिए मुझे गैप डाउन खुलते ही फर्स्ट कैंडल में बाय कर लेंगे, मार्केट चाहिए गैप डाउन खुलते ही फर्स्ट कैंडल में बाइंग आएगी, ये हमारा सिनेरियो रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, खुलते ही जैसे ही बाजार खुलेगा ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल गैप डाउन ओपन होना जरूरी है, ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल में बाइंग आएगी। या एक आप काम कर सकते हो 1 मिनट का या फिर 5 मिनट का रेंज मार्क कर सकते हो, रेंज के ऊपर जब निकलेगा बाइंग कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए एक बुलिश कैंडल पे ही बाय कीजिए। 1 मिनट का अगर आप कर रहे हो तो 1 मिनट पे एक बुलिश कैंडल होना चाहिए, या 5 मिनट पे कर रहे हो 5 मिनट का रेंज चल जाएगा, जैसा भी कैंडल हो मैटर नहीं करता, रेंज का मार्क किया ऊपर निकला तो बाय कर लेंगे, नीचे निकलेगा तो सेल कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे मार्केट साइडवेज हो जाएगा, मत कीजिएगा। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, बैंक निफ्टी हमारा आप सबका फेवरेट है, तो ये हमारा सिनेरियो रहने वाला है अब। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, चलिए बैंक निफ्टी में डिस्कस कर लेंगे अपन, जो मैं करने वाला हूँ बैंक निफ्टी में डिस्कस कर लेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी सेम उस तरह से है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ना 1 डे का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ आपको, ये हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे। यस, 1 डे का टाइम फ्रेम, 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे इसमें भी सेम वही सिनेरियो जो हमने निफ्टी में डिस्कस किया, अच्छा खासा प्राइस एक्शन बिल्ड करके नीचे की तरफ आया है। यहाँ पे इसका एक हर्डल है, उस हर्डल के नीचे हमें क्लोजिंग मिल चुकी है,
एग्री कर रहे हो? उस हर्डल के नीचे एंट्री मिल चुकी है हमें, क्लोजिंग अभी भी वीक है, बट वीक ये कैसे होगा? यहाँ पे एक दो तीन दिन लगातार फॉल किया है, पॉइंट्स की अगर हम बात करें इधर 700 ऊपर, इधर भी अप्रॉक्स 300, यानी कि 1000-1200 पॉइंट्स मार्केट गिर चुका है, 1200-1300 पॉइंट मार्केट गिर चुका है। अब एक हॉल्ट चाहिए मार्केट को, या तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाए, या तो कल एक इनसाइड कैंडल बनाए इसके बीच में, या फिर एक पुल बैक ले, बुलिश कैंडल बनाए, एक बुलिश कैंडल या एक इनसाइड कैंडल बनाएगा यहाँ पे, एक हॉल्ट लेगा फिर मूव करेगा। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ जाएंगे दिस वन, ओके यस। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा क्या अप्रोच रहेगा, बिल्कुल हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट इस रेंज में है या इस रेंज में, इस रेंज में खुल रहा है कहीं पे भी, साइडवेज की उम्मीद हम करेंगे। गैप डाउन खुला, खुलते ही एक बाइंग आएगा, गैप अप खुल गया वेट करेंगे, पुल बैक लेके अगर बाइंग बना रहा है तो करेंगे, क्वांटिटी कम रखिएगा। गैप अप खुलेगा थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है, क्वांटिटी कम रखिएगा क्योंकि ऊपर के लेवल से लोग होल्ड करते आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो अगर गैप अप खुलेगा, हाँ बेशक इनका इनका प्रॉब्लम होगा, नुकसान होगा, लेकिन इनका स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे कहीं है अप्रॉक्स 44,900 के आसपास। अगर 900 का लेवल ब्रेक करेगा फिर अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ सिनेरियो है, गैप डाउन खुलेगा तो बाय, गैप अप खुलेगा तो पुल बैक में बाय, साइडवेज हुआ बीच में खुला तो साइडवेज, कुछ इस तरीके का प्लानिंग हमारा रहने वाला है। स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो चलिए ये स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारा होगा यूपीएल, यूपीएल लिमिटेड। आप देखेंगे यहाँ पे अगर देखेंगे हॉल्ट लेके गिरा है, प्राइसन का भी गिरा है मार्केट, ऊपर की तरफ निकल रहा है, यहाँ पे फिर से एक रेंज बना दिया, एक बॉक्स बना रहा है। आपको पता है यार ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए बॉक्स, तो इसका लेवल और इसको, इन दोनों को मार्क करेंगे, जिधर भी जाएगा उस तरफ हम मूव कर सकते हैं। गैप अप खुलेगा तो वेट करेंगे, गैप डाउन खुलेगा तो पुल बैक में फिर से सेलिंग करेंगे। हमारा यूपीएल थोड़ा सा नज़र पर रखिएगा, बॉक्स पैटर्न है, एक अच्छा खासा मूव आपको दिखा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है बजाज फाइनेंस, ये लगा हुआ है यहाँ पे, बजाज फाइनेंस में कल आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे बजाज फाइनेंस भी कुछ उस तरह का ही कर रहा है, वन डे के टाइम फ्रेम पे भी इसको आप देख सकते हो, ये भी सिमिलर पैटर्न में है, तीन चार दिन से लगातार फॉल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फोर डेज हो गए हैं, फोर डेज से लगातार फॉल कर रहा है। बट हाँ यहाँ पे एक बार इसको रिमूव करता हूँ मैं, यहाँ पे अच्छा खासा फॉल, अच्छा खासा फॉल। अब देखिए ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल में नीचे से बाइंग छोटी छोटी आनी शुरू हो रही है, यानी कि बायर थोड़े से हिम्मत लेकर आ रहे हैं, बायर थोड़ा सा बाय करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे नो डाउट कल अगर मार्केट निकला तो बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा निकल सकता है। हम प्लान करेंगे कल बजाज फाइनेंस को, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और कैसे प्लान करेंगे हम वो डिस्कस करते हैं। तो इस 15 मिनट टाइम फ्रेम और यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, कल हम क्या प्लान करेंगे, गैप डाउन खुले, इसके नीचे कहीं गैप डाउन खुला, फर्स्ट कैंडल के ऊपर बाय करेंगे, इस स्विंग के ऊपर या इस स्विंग के ऊपर, वैसे तो इसको रहने देते हैं अपन, थोड़ा सा अग्रेसिव बाइंग करने के इंटरेस्टेड हूँ मैं। गैप डाउन खुला इसके ऊपर निकला तो ये टारगेट इसके लिए, और इसके ऊपर और भी बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है, बाय थोड़ा सा अग्रेसिव होकर कर लेंगे, नॉट एन इश्यू। लेकिन सेलिंग अगर करना है हमें तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि एक पुल बैक या एक हॉल्ट कैंडल बना ले, फिर दूसरे तीसरे दिन सेलिंग करेंगे। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।